Hello everyone, welcome to my channel Trade with Sushant. As you can see that in the morning I have told you that at 9:20 a.m. I have told you that if the market breaks this level 21,556, then our first target will be 21,612. So the market broke this level at 235. It broke out at 235 and it met our target at 3:05 p.m. okay, and our target was 21,612. And I'll play a video as I have done a live stream today on 10th of January, and from 9:15. So I'll just play this video and you can see that what I have told you. I'll just play the video, and as I have made the support and resistance and the trail line at that time, and you can see I have predicted the levels in the morning and the market broke out at 2:30. So I'll just play it. तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल है और एक ये रेजिस्टेंस लेवल है. तो आपका जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है एज ऑफ टुडे, ठीक है. अगर इसको ब्रेक अप करता है, and as you can see here guys, the time is 9:22 a.m. of 10th of January, okay. तो ये ऊपर जा सकता है. अभी के लिए मार्केट साइडवेज, ठीक है. अभी मार्केट हो सकता है तो इस ये रेंज और ये रेंज के बीच में कंसोलिडेट करेगा. तो ये रेंज है आपको 21,588 और ये आपका रेंज है 21,500. तो जब भी इनका इस लेवल का या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तभी हमें कोई मूव देखने को मिलेगा. और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है. तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ जिससे आपको पता चले. तो यू कैन से 21,400 लेवल जो है ये हमारा एक और सपोर्ट होगा. अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा 21,400 तक. अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें एक और रेजिस्टेंस मिलेगा ये. तो अगर ये वाला ब्रेक ब्रेकआउट करता है 21,586 वाला लेवल जो ब्रेकआउट करता है अगर ऊपर की तरफ, तो हमें ये छोटा सा एक टारगेट दे सकता है यहाँ पे 21,636 का, जो कि है आपको अगर यहाँ से ब्रेकआउट से लेते हैं मगर 36 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है. और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें मिल सकता है 97 पॉइंट्स का. अगर ब्रेकडाउन होता है तो 97 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है. तो अभी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे. अभी के लिए हम वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम. ये आप गाइस देख सकते हो, ये 9:24 का है टाइम और मैं आपको दिखाता हूँ 2 घंटा और 31 मिनट पे मैंने मार्केट प्रिडिक्ट किया था. मार्केट प्रिडिक्ट तो पहले ही कर दिया था. ये लेवल्स बना के मैंने 2:31 में, मतलब 2 घंटा 31 मिनट पे ही बना के दिया था. उस टाइम वो टाइम हो रहा था 11:50. अपडेट गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले सुबह में बोला था कि 11:50 में ही बता दिया था. अगर मार्केट ये लेवल जो ये येलो लाइन है अगर इसको क्रॉस करता है तो हम नीचे की साइड सोचेंगे. बट जैसा कि मार्केट ने हमें ब्रेकआउट नहीं दिया इस लेवल का, तो हम अभी एंट्री नहीं लेंगे. और अभी मार्केट अप साइड में है और इसका जो आप देख रहे हो, ये मैंने असेंडिंग ट्रायंगल बना रखा है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट इस लेवल पे जो यही मैं बता रहा था गाइस, 21,554 का मैंने 11:50 पे ही बता दिया था और टारगेट भी मैंने उसी टाइम दे दिया था जो कि 21,612 का था, जो कि अचीव भी हो गया था. आप ये रेड लाइन आप अभी मैं आपको दिखा दूंगा. वैसे अभी आप देख लो ये वीडियो, इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा ये रेड लाइन जो कि है 21,612. हमारा ब्रेकआउट होना चाहिए 21,556 पे. और हमने स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ किया हुआ है वो है 21,600 का कॉल. और 21,600 के कॉल में हमारी एंट्री होगी आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रेड लाइन व्हिच इज 57.90. आफ्टर द ब्रेकआउट विल बी टारगेटिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 82.46. ये मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस का भी बता दिया टारगेट और निफ्टी 50 का भी टारगेट बता दिया. अब मैं आपको लाइव ले जाता हूँ चार्ट पे. अब ये देखो, मैंने आपको उसमें क्या बोला था, निफ्टी 50 वाले में मैंने आपको बोला था कि एंट्री हमारी तभी होगी जब ये 21,556 को ब्रेक करेगा तब। और ये 556 लेवल ये रहा, और उस टाइम मैंने कब बताया था, 11:30 बजे सुबह के 11:30 यहाँ बताया था आपको। और हमें एंट्री मिली है यहाँ पे 2:35 पे, और हमने टारगेट भी बताया था आपको 21,612। एग्जैक्ट हमारे लेवल पे आके मार्केट रुक गया 21,612। आप अभी फिर से ये वीडियो जाके बैक करके देखना, मैंने जो लेवल बताया था वही हुआ। मैंने 9:30 बजे तो बताया ही बताया था, उसके बाद मैंने 11:30 बजे लेवल्स बना के दिया था आपको कि अगर ये क्रॉस कर लेता है ये लेवल 21,556 का, देन इट विल गो अप टू 21,612। तो ये यहाँ तक चला गया मार्केट, ठीक है। अब मैं आपको कल के एनालिसिस जो 11th ऑफ, अभी तो 11 बज गया वैसे आज, तो आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिए मैं आपको लेवल्स बना देता हूँ आपके सामने, क्योंकि कल हो सकता है तो कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं लाइव ना आ पाऊँ कुछ दिन के लिए, इसलिए मैं आपको पहले ही लेवल्स बना के दे देता हूँ। पैसा है 5 मिनट्स पे मैं मूव करता हूँ। आपके सामने बना रहा हूँ, मैं पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं है, आप जो भी बना रहा हूँ आपके सामने बना रहा हूँ। पूरा रॉ वीडियो है, नो एडिटिंग, कुछ नहीं। ग्रीन कर देता हूँ, ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा। और एक ये लेवल, चलो गाइस, तो मैं तो पूरा प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको लेवल बना के दे दिया है, ये हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस है। चलो गाइस, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कल मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, जो कि 21,640 है और 21,556 है, अगर इस दोनों के बीच में ओपन होता है तो ये कंसोलिडेट करेगा थोड़ी देर। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर ये हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 21,722, हमारा सेकंड टारगेट 21,878 रहेगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी कंसोलिडेट करेगा थोड़ी देर, फिर इसको ब्रेक डाउन करके और नीचे का भी टारगेट बना देता हूँ। नीचे तो वैसे जाएगा निकल, फिर भी ये जो मैं तुरंत बना देता हूँ, इसको सीखने में मुझे कम से कम 2 या 3 साल लगे। तो आप अगर नीचे ब्रेकआउट होता है इस लेवल को तोड़ के तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,462, सेकेंड टारगेट रहेगा 21,411। और अगर कल मार्केट अगर यहाँ पे भी ओपन होता है, कहीं पे फ्लैट ओपन भी होता है और इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है, ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, तो ये फर्स्ट टारगेट हम मानेंगे 21,722 और सेकंड टारगेट मानेंगे 21,878। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको टारगेट लिख देता हूँ। इसको टारगेट 1 टारगेट 2, तो हमारा कल का टारगेट 1 रहेगा 21,722, हमारा कल का टारगेट 2 रहेगा 21,878। अगर इस ये लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 21,644 को, ठीक है, 45 पे एंट्री मारेंगे हम लोग। 21,645 एंट्री भी लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस कैंडल, आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस रेड जोन, ठीक है। So the tomorrow market prediction is clear that we will enter in the market if the market breaks out this level 21,645, okay, and our first target will be 21,722 and our second target will be 21,878. We will enter after the breakout of 21,645, and if the market opens gap down, then our first target will be 21,411, and that's it. And as I have told you that if you would have took the trade at 57 rupees on the strike price of 21,600 call, and the target would be 82 points. Okay, so this was the call that I have given today, and it was a approx of you can say 32 points, and if you can multiply 30 into 50, just a moment, I'll just calculate it for you, and we will end the video. So it was around 1,600 rupees. So you would have got the profit of 1,600 rupees for one lot only. If you would have taken 2 lots, then the profit would be around 3,200. So the video was, we'll see you, and I'll come live after 14th or 15th January. So till today, goodbye, adios.